दोस्तों मेरा पिछला वीडियो में मैंने बनाया था जेसीबी के बारे में, तो जेसीबी कैसे निकालते हैं आप लोगों ने तो देखा ही होगा उस वीडियो को, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाटर इक्विवेलेंट जो होता है कोल जेसीबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वाटर इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे तो जेसीबी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वाटर इक्विवेलेंट के बारे में, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा बेंजोइक एसिड है 6319 जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जेसीबी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें हम यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रहे हैं हम। तो पाउडर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड टेबलेट नहीं है, तो इसी को हम टेबलेट बनाकर यूज़ करेंगे जिसका सिंपल वेट 0.95 से प्लस नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये सिंपल वेट लिया है, वैसे आपको हम बताते हैं आगे। 2-3 बोलिंग तक। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये डस्ट लिया हुआ है जो बेंजोइक एसिड है टेबलेट मेरा बेंजोइक एसिड जिसका 6319 जेसीबी है, तो मैंने ये वेट किया है। तो अभी मैं इसको टेबलेट बनाऊंगा, और टेबलेट बनाने से पहले इसको जो है क्या करना है हम फिट करेंगे, ये जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है तो इसको पहले फिट करेंगे, ठीक है। फिट किया, अब इसमें जो है मैं इसमें डालूंगा इसको ऐसे डालूंगा, जो भी सैंपल वेट इसका आएगा, ये मैटर नहीं करता है कितना आएगा, जो भी सैंपल वेट आता है इसको मैंने उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, इसमें कोई वो नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर में आप लोग बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा इसको जो है पहले टैबलेट में बना लूँगा इसको, ठीक है। इसको टैबलेट बनाना है, ठीक है। टैबलेट बहुत केयरफुली बनाया जाता है, देखिए चला गया अंदर। अब इसका टैबलेट में जैसा एक करके बना लूँगा, तो मैंने अभी टैबलेट जो है मैंने बना लिया है, टैबलेट को मैं रिलीज कर रहा हूँ। टैबलेट मैंने रिलीज कर लिया है, यहाँ पे देखिए व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट कलर का। तो ये टैबलेट मेरा रेडी हो चुका है, इसको मैं नीचे रखूँगा, इसको साइड में कर दूँगा फिलहाल। और मैंने यहाँ पे क्रूसेबल लिया है, यहाँ पे क्रूसेबल वेट को मैंने जीरो कर दिया है, ठीक है, ताकि इसमें सैंपल वेट जो टैबलेट मैं बनाया हूँ तो एक्चुअल कितना आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर फिट करूँगा, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको इसमें सेट करूँगा, और इसको जो है मैं उस क्रूसेबल में इसको निकालूँगा उस टैबलेट को। तो देखिए यहाँ पे टैबलेट मेरा निकल चुका है, ये दिखाइए ज़रा इधर, टैबलेट यहाँ रेडी है मेरा टैबलेट। तो अभी क्या है एक्चुअली ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है दोस्तों, तो इसको फॉलो कीजिएगा आप लोग वाटर इक्विवेलेंट निकाल पाइएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें बना लिया है, अब इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि इस वाटर इक्विवेलेंट में आपको स्टैंडर्ड टेबलेट भी आता है, वो स्टैंडर्ड टेबलेट मंगा करके भी आप वेट करके आप कर सकते हो, या पाउडर भी आप बेंजोइक एसिड का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी आप मंगा करके वाटर इक्विवेलेंट, जैसे जैसे मैं वेट कर रहा हूँ कितना वेट क्या लेना है, तो आप लोगों में बताया हूँ कि 0.95 ग्राम से बिलो लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, जो भी सैंपल वेट रहेगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है टेबलेट प्रोसीजर से टेबलेटाइजेशन बना करके या टेबलेट बना करके या जैसे आप करते हो, इस वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा लास्ट तक तो आप सीख पाइएगा। अभी मैंने ये सैंपल वेट लिया है, इस सैंपल वेट को वाटर इक्विवेलेंट के लिए आप नोट कर लीजिएगा, जो बेंजोइक एसिड का टेबलेट मैंने बनाया है अभी ये जो प्रिपेयर किया है, इसका वेट जो है मेरा 0.9067 है, तो इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। इसको हमको डिजिटल बम किलोमीटर में सेट पॉइंट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का देखते हैं प्रोसीड्यूर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नाइक्रोम वायर लिया है, तो ये नाइक्रोम वायर जो है 8 सेंटीमीटर तक लेना है, एक अंदाज से आप ले लीजिएगा। तो मैंने अभी एक अंदाज से मैं अपना काट लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना थायराइड ले लीजिएगा, जो आपके पास थायराइड होगा ये होगा, है ना, ये जो है थायराइड जो है आप 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये नाइक्रोम वायर 7.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, जिससे अच्छा से जो है इग्निशन हो जाए, उसमें जल जाए, ठीक है। आगे का बताते हैं। तो दोस्तों थायराइड जो है
थायराइड जो है, ये थायराइड आप इसको मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर लेना है, अगर वेट करें तो 5 एमजी होना चाहिए। और नाइक्रोम वायर भी जो है 8 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, जो कि इसमें हम सेट करेंगे, इसमें हम सेट करेंगे। तो अब हम इसमें, हम अभी नाइक्रोम वायर मैंने सेट कर दिया है, तो अब इसमें हम थायराइड को सेट करेंगे अच्छी तरह से। थायराइड को अच्छा से इसमें सेट कर लेंगे, बांध देंगे इस तरह, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है मैं जो टैबलेट बनाया है, उस टैबलेट को इस स्टैंड में मैं डालूंगा। इसको टैबलेट में जो है, ये जो टैबलेट मैंने ये टैबलेट लिया है, इस टैबलेट को जो है इस स्टैंड में मैं फिट करूँगा, ठीक है दोस्तों। इसको लो, मैंने इसमें फिट कर दिया। अब इसको जो है मैं इसमें सेट कर दूँगा, इसको एकदम अच्छा से, इसको नियर बाई मैं सीट जहाँ पे है वहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरा सेट हो गया, इसमें अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, देखिए इसमें सेट हो गया है, इसके अंदर मैंने सेट कर दिया है। इसमें इस तरह से सेट कर लीजिए, फिर इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर डालने से पहले इसमें देखना है पानी है कि नहीं। 2 ml पानी रखेंगे, डिस्टिल वाटर इसमें रख दिया है मैंने। अब इसको मैंने सेट करना है, इसको अच्छा से मैं इसको सेट कर दूंगा, इसको इसमें इसको सेट करना है। तो अभी मैं अच्छा से इसको इसमें सेट कर देता हूँ। अब इसको, ये जो रिंग है, इस रिंग को इसमें मैं फिट कर दूंगा। तो अभी मैं इसको सेट कर दिया हूँ, जो वाशर है इसमें वाशर में फिट करूँगा। अब ऑक्सीजन में फिल करूँगा इसको 25 प्रेशर तक, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है 25 करेंगे। तो ऑक्सीजन मैंने 30 प्रेशर जो है मैंने ले लिया है, 30 तक लीजिएगा आप, 25 to 30। और मेरा प्रेशर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे रिलीज कर लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका वाटर इक्विवेलेंट होने के लिए रेडी हो गया है, इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, अब ये रेडी हो गया चेक करने। तो इसमें हम सबसे पहले जो है इसमें 2000 ml जो है डिस्टिल वाटर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है हम इसको सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने इससे पकड़ा है और इससे जो है इसको इसमें सेट कर देंगे। सेट कर दिया है मैंने, देखिए पूरा पानी जो है इसके ऊपर तक होना चाहिए, इस रिंग के ऊपर तक पानी होना चाहिए। तो मैंने 2000 ml पानी नाप के ले लिया है। अब इसको हम बंद करेंगे। अब जो ये वायर है, ये दोनों वायर इसमें हम डालेंगे, लगाएंगे 1 by 1 करके दोनों में, ये फिट हो गया। अब मैं इस स्टैंड को फिट करूंगा, इसमें मैं फिट कर रहा हूँ। मेरा फिट हो गया है, देखिए खांचा है यहाँ पे, इस खांचे में जो है फिट होना है इसको दोनों साइड से। इसको यहाँ पे अभी ऑन करेंगे, पहले ये स्टीरर जो है इसमें फिट करेंगे। तो स्टीरर मैंने इसमें फिट कर दिया है अभी स्टीरर को, अब इसको हम ऑन करेंगे। इसको अभी ऑन करेंगे, पीछे से इधर है दो ठो है, तो पहले मेन ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद स्टीरर ऑन कर देंगे, स्टीरर इसमें चालू हो जाएगा। आप सुन रहे होंगे आवाज़, इसके अंदर चालू हो गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर बम किलोमीटर है, यहाँ भी अब लिखा हुआ है ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर बम किलोमीटर। तो इसको जो है वाटर रिक्वायरमेंट हमको चेक करना है, तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद देखिए, ये जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो स्टीरर मैंने चालू किया है इसका, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ने के बाद एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट होने के बाद उसको उस पर हम फायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट कैसे क्या करना है। तो अब ये सैंपल टेस्ट का मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को, अभी हम जानेंगे वाटर इक्विवेलेंट टेस्टिंग के बारे में। तो मैं अभी यहाँ पे सेट करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इसको जो है टेस्ट डिटेल्स में मैं पहले जाऊँगा, क्या अभी हमको करना है। तो वाटर इक्विवेलेंट हमको चेक करना है, तो हम नीचे आएँगे,
वाटर इक्विवेलेंट पे इंटर करेंगे। यहाँ पे इंटर मैंने कर दिया, वाटर इक्विवेलेंट पे आ चला गया। नीचे आएंगे, इससे नीचे अप डाउन, अप डाउन इससे होता है। यहाँ देखिए ये मेनू है, ये इंटर है, ये रिसेट है, ठीक है। तो अभी हम मास टेबलेट में जाएंगे, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं मैं मेरा रेडी हुआ कि नहीं। तो वाटर इक्विवेलेंट में जब देख सकते हैं ये मार्कर जो है वाटर इक्विवेलेंट पे है, तो वाटर इक्विवेलेंट चेक मैं कर रहा हूँ, तो ओके। अब जो है नीचे ले आऊँगा, मास ऑफ टेबलेट में जाऊँगा। अब मेरा कितना ग्राम था, तो देखिए यहाँ पे 0.0907 ऑलरेडी है, तो मैं भी 0.9066 था, तो यही वेट ले लेते हैं, इसी को इंटर कर देते हैं। तो मैं बताता हूँ, 0.0907 कर दिया मैंने, और अपने आप ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम लोग जो है इसको 15 मिनट के लिए देखेंगे, 10 से 15 मिनट की मेरा ये जो टेम्परेचर है ये कितना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सेट हो जाने दीजिए। जो यहाँ तक मैंने वाटर इक्विवेलेंट का मैंने जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, वाटर इक्विवेलेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इक्विवेलेंट जितना भी कंपनी का, आइका का हो गया, बम क्लोरीमीटर तोसीबल का हो गया, या माइक्रो प्रोसेसर का हो गया, या ऑटोमेटिक बम माइक्रोसर बम क्लोरीमीटर हो गया, किसी का भी, तो वाटर इक्विवेलेंट जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप कोल का जो जीसीबी होता है वो आप नहीं देख सकते हैं, ग्रोस क्लोरीफिक वैल्यू आप नहीं देख सकते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट हम इस वीडियो में जान रहे हैं और देख रहे हैं लाइव, ठीक है। तो जहाँ तक हम बोल रहे थे, अभी जो है आप लोग, मैंने बताया था कि इनिशियल टेम्परेचर जो कंटिन्यूसली मेरा देखिए अभी कंस्टेंट हो गया है 460 पे, तो मैं इतना पर ही मैं इसको फायर कर दूंगा। और देखिए सबसे बड़ा है, आप क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो करेगा कि वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंपल टेस्ट, वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट। तो अभी मेरा वाटर इक्विवेलेंट मैंने टेस्ट किया है, तो इसमें वाटर इक्विवेलेंट चेक कर रहा है, तो यहाँ पर मैं अब इसको फायर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही फायर करूंगा तो देखिए यहाँ पे फायरिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे तीनों आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर और फेल टेम्परेचर, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली इसमें क्या है, अभी तो फायरिंग तक आप समझ गए, तो फायरिंग करते ही जैसे ही 10 से 15 मिनट में यहाँ रिजल्ट आ जाएगा मेरा वाटर इक्विवेलेंट कितना है, तो वो वाटर इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा कि मेरा इतना वाटर इक्विवेलेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं सीख पाइएगा। एक्चुअली क्या है, आपको जो है इस प्रोसेसर में आपको ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर बम क्लोरीमीटर में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, वाटर इक्विवेलेंट, इसको आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक दे दूंगा, आप इसी बम क्लोरीमीटर से जीसीबी जो है कैसे निकालेंगे, इसी वीडियो में के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। और वाटर इक्विवेलेंट का एक वीडियो है, कैसे वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस वीडियो में आप लोग जान चुके हैं। तो याद रहे केयरफुली, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रिक्यूशन कोई भी चीज़ का टेस्टिंग करने से पहले केयरफुली आप लोग देख लीजिएगा, 2000 ml जो है, जैसे भी आपको इसमें पानी रखना ही रखना है, 2000 ml डिस्टिल, 2000 ml जो है डिस्टिल वाटर, और जैसे कि 2 लीटर हो गया। तो इसके अलावा जो है नाइक्रोम वायर जो है, और नाइक्रोम वायर 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए जो आप उसमें बांधेंगे, जो मैंने बांधा है उसमें। और दूसरा चीज़ क्या है, थेरेट जो है 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको भी मैंने कैसे किया है वो आपने देखा है इस वीडियो में। तो लास्ट में ये सारा चीज़ में है, सैंपल वेट जो है 0.95 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ बता रहा हूँ क्लियरली। तो आप आगे देखेंगे कि कैसे क्या सेट पॉइंट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ प्रिपरेशन है, आपको ध्यान रखना है कि इतना सैंपल वेट होना चाहिए, इतना नाइक्रोम वायर से वेट होना चाहिए, नाइक्रोम वायर कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना थेरेट जो है कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी जो मेरा वाटर इक्विवेलेंट है 3143 आया हुआ है, और राइजिंग टेम्परेचर 01.833 आया है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है 3143 जो है इसको इसमें हमको सेट करना होगा, दूसरा जो भी हम सैंपल टेस्ट करेंगे, ये वाला सैंपल टेस्ट करेंगे, तो उस सैंपल को टेस्ट करने से पहले हमको इसमें सेट करना है, ठीक है। तो अभी जो है हम अगेन इसमें यहाँ आए हैं, और जो मेरा 3143 मेरा वाटर इक्विवेलेंट आया है, हालांकि उतना होता नहीं है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कितना भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं वे बताया हूँ आप लोगों को किस वे से आप लोगों को टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो मेरा 3143 आया, तो उसको कैसे सेट करेंगे वो भी देख लीजिए, थोड़ा इधर पास में दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ पर सब है, टेस्ट डिटेल्स, मास ऑफ डिटेल्स,
टेस्ट डिटेल्स है, मास ऑफ टेबलेट है, तो यहाँ पे थोड़ा दिखाइए, इधर भी हाँ। तो ये सब अप डाउन करने वाला है, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ मेनू है, यहाँ इंटर है, तो इधर दिखाइए ज़रा। तो मैं यहाँ अप डाउन कर रहा हूँ नीचे, तो अभी मैं मास ऑफ टेबलेट है, अभी टेस्ट डिटेल्स में जाएंगे तो टेस्ट डिटेल में अब तो मुझे सैंपल टेस्ट करना है, मुझे तो सैंपल टेस्ट करेंगे। उससे पहले जो क्या करना है, जो मेरा डिवाइस जो वाटर इक्विवेलेंट अभी आया है मेरा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, कितना वाटर इक्विवेलेंट देखिए 3143 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 3143 में सेट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से सेट करेंगे, जो भी 3143 या 3133 जो भी है, इसको सेट करके इसको यहाँ से इंटर कर देंगे, तो मेरा जो है हो जाएगा, अपने आप ये बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बाहर आ गया, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे, और एग्जिट करने के बाद कंप्लीट हो गया, दूसरा सैंपल आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना वाटर इक्विवेलेंट कैसे सेट कर सकते हैं अपने बंकलोमीटर में, जो आपके पास डिजिटल है, चाहे आइका का हो, चाहे तोशिबा का हो, चाहे कोई भी हो। तो टेस्टिंग वे जो मैंने आप लोगों को मैंने प्रिंसिपल सिखाया है कि इस तरह से आप टेस्टिंग करना है, तो इस तरह से आप वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट करेंगे, और सैंपल जो भी कोल का सैंपल जो टेस्टिंग होता है उसके बारे में मैंने वीडियो दे रखा है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, वो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। तो ये वीडियो आप लोगों का वाटर इक्विवेलेंट का हो गया, और वाटर कोल जीसीबी के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक में जाकर देख लीजिएगा, धन्यवाद। इस तरह से जो है टेस्टिंग करने के बाद इक्विपमेंट को ऑफ़ कर देंगे अच्छी तरह से, देखिए ऑफ हो गया है उधर। ऑफ़ करने के बाद इसको जो है निकाल करके जो अपना असेंबल वगैरह है उसको साइड में रख देंगे, इस तरह से सब निकाल लेंगे अच्छी तरह से, और इसको जो है हम साइड में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। केयरफुली आप यहाँ पे निकालें, पहले वायर निकाल लेंगे, वायर निकाल के उसके बाद उसको बम को जो है निकाल देंगे इसमें से बाई हुक के द्वारा, ठीक है। इस तरह से आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है।